14 महीने बाद बतौर कप्तान रोहित की वापसी, विराट लेंगे अफगानिस्तान के शेरों से लोहा। विकेटकीपर के लिए असली माथापच्ची। दो विकेटकीपर का हुआ चयन एक अनुभव का जौहर दिखा सकता है, एक युवा प्रतिभा से मोड़ सकता है मैच का रुख। संजू सैमसन या फिर जितेश शर्मा, किसे मिलेगा मौका? जितेश शर्मा 150 के स्ट्राइक रेट के साथ करते हैं बल्लेबाजी, तो संजू सैमसन 133 के स्ट्राइक रेट से बनाते हैं रन। रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर को करेंगे मजबूत, तो संजू सैमसन को देंगे मौका। फिनिशर के तौर पर देखेंगे तो जितेश शर्मा के साथ जाएंगे। जी, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अफगानिस्तान की T20 सीरीज बेहद अहम मानी जा रही है। ICC T20 विश्व कप से पहले ये टीम इंडिया की आखिरी T20 इंटरनेशनल सीरीज होगी। रोहित शर्मा की बतौर कप्तान टीम में 14 महीने बाद वापसी हुई है। विराट कोहली भी टीम का हिस्सा है। असली माथापच्ची विकेट कीपर को लेकर होने वाली है। चयनकर्ताओं ने ईशान किशन को टीम में जगह नहीं दी है। जिन दो खिलाड़ियों को इस भूमिका में चुना गया है उनमें से एक अनुभवी है, जबकि दूसरे ने साउथ अफ्रीका में डेब्यू किया है। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम विश्व कप से पहले तैयारियों को आखिरी रूप देना चाहेगी। हालांकि इस सीरीज के लिए कई सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं होंगे। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या चोटिल हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह को चयनकर्ताओं ने आराम देने का फैसला किया है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ईशान किशन को बाहर रखे जाने पर कई सवाल उठे हैं। विकेटकीपर के तौर पर टीम में संजू सैमसन और जितेश शर्मा को चुना गया है। T20 सीरीज में महज 3 ही मुकाबले खेले जाने हैं। इस सीरीज के लिए विकेटकीपर की भूमिका कौन निभाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबके मन में है। कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा अनुभवी संजू सैमसन के साथ उतरना चाहेंगे या हाल ही में डेब्यू करने वाले जितेश शर्मा को मौका दिया जाएगा? ये सारी चीजें प्लेइंग 11 के संयोजन पर निर्भर करती हैं। जितेश 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, जबकि संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 133 का है। ये रिकॉर्ड घरेलू T20 में भी ऐसा ही है। अफगानिस्तान के खिलाफ अगर विकेट कीपिंग के तौर पर दावेदारी की बात करें तो अनुभवी संजू सैमसन रेस में आगे नजर आ रहे हैं। कोच और कप्तान मिडिल ऑर्डर में एक मजबूत बल्लेबाजी को देखना पसंद करेंगे। जितेश शर्मा की बात करें तो वो बतौर फिनिशर खेलते हैं, जो भूमिका इस समय रिंकू सिंह काफी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शायद इस खिलाड़ी को भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे संजू सैमसन और जितेश शर्मा को लेकर आप किसे बेहतर मानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें JT News के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।